नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे हम राइट इश्यू के बारे में। शेयर होल्डर को एक बहुत बड़ी लॉटरी लगी है, मतलब ये 200 रुपये का शेयर था, पहले 150 रुपीज का शेयर था, वहाँ पर जो बाय किए होंगे एक तो उनको पहले तो ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। हम लॉन्ग टर्म चार्ट शॉर्ट टर्म चार्ट पर बात करेंगे। दूसरी, उनको राइट इश्यू के रूप में 1:1 के रेशियो में, मतलब एक शेयर है आपके पास, एक राइट इश्यू में शेयर लीजिए और मात्र 50 रुपीज के प्राइस पर। बताइए, 200 रुपीज का शेयर है, 50 रुपीज के प्राइस पर उनको राइट इश्यू के तहत शेयर मिल रहा है, तो कितना बेहतरीन है, तो बेहतरीन मौका लगा है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको बाय करना चाहिए शेयर अभी राइट इश्यू का फ़ायदा लेने के लिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरी तरह से उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, ऑन जुलाई 18 बोर्ड जो अप्रूव किया है 61 करोड़ 77 लाख 64 960 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, मतलब फुल्ली पेड है इसमें, मतलब पार्शली पेड नहीं है, फुल्ली पेड है, मतलब जो स्टॉक मार्केट में उसी शेयर के साथ ये भी लिस्ट हो जाएगा, अलग से इसको लिस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फुल्ली पेड है, फेस वैल्यू 2 का है और जो टोटल इसे अमाउंट रेज करना है वो है 3089 करोड़। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 50 रुपीज, देख सकते हैं प्राइस है फिक्स्ड 50 रुपीज पर फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, मात्र 50 रुपीज़, जिसपे प्रीमियम शामिल है इंक्लूडेड प्रीमियम ऑफ 48 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसका जो ओपनिंग डेट है 28 से आप अप्लाई कर सकते हैं, 28 जुलाई से अप्लाई कर सकते हैं 11 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है मतलब 23 जुलाई है, मतलब आप अगर 20 तारीख को और 21 तारीख को, मतलब आज 20 को और कल 21 को जुलाई को अगर आप बाय कर लेते हैं तो रिकॉर्ड डेट जो है 23 को आपके पास शेयर आ जाएगा, मतलब 21 तक बाय करते हैं तो 21 और 20, मतलब 20 जुलाई और 21 जुलाई अगर आप शेयर बाय कर लेते हैं तो इसके राइट इश्यू के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब राइट इश्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़, कई सारे व्यूवर्स ने हमारे कमेंट किया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के राइट इश्यू के बारे में बताइएगा। तो इसका 20 जुलाई 21 जुलाई आप बाय करते हैं तो 23 जुलाई रिकॉर्ड डेट है जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो अप्लाई करना है 28 जुलाई से 11 अगस्त तक। और इसका जो देखते हैं प्राइस है 50 रुपीज़ रखा गया, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, इतना ही शेयर महिंद्रा का है फाइनेंस का, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का इतना ही शेयर है टोटल। तो सब के सब अप्लाई करेंगे, सबको राइट इश्यू के तहत शेयर मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके जो फंडामेंटल्स है, टेक्निकल्स है, लॉन्ग टर्म चार्ट है, शॉर्ट टर्म चार्ट है, उस पर क्या ये फंडामेंटल रूप से बेहतरीन कंपनी है या वीक कंपनी है। और साथ ही साथ बता दें इसके प्रॉफिट में 300% का जंप हुआ है, इसके प्रॉफिट में जो रिजल्ट आया है उसमें 300% का जंप हुआ है, तो उसके कारण भी आपको तेज़ी देखने मिलेगा। और साथ साथ राइट इश्यू ये भी तो इस शेयर में एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। तो ये मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर यहाँ पर देख सकते हैं, जो बोर्ड मीटिंग था 18 जुलाई को था, क्वार्टरली रिजल्ट था, राइट इश्यू आया, उसके बाद डिविडेंड देखिए, तो कंपनी हर साल डिविडेंड दी है, कंसिस्टेंट है डिविडेंड में, बोनस कभी नहीं दी कंपनी, मतलब रिकॉर्ड जो यहाँ पर बता रहा है। स्प्लिट हुआ है शेयर 2013 में, तो 10 से 2 हुआ है तो 5 गुना इसका शेयर हो गया स्प्लिट होने से। उसके बाद वैल्यूएशन देख लेते हैं, कंपनी जो है हमारा 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप से कहीं अभी मिड कैप, एक तरह से स्मॉल कैप ही कंपनी है, पी रेशियो काफ़ी कम है इंडस्ट्री से। उसके बाद फाइनेंशियल देख लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फाइनेंशियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो प्रॉफिट है अगर जून क्वार्टर का कहें तो इससे 300% जंप हुआ है, मतलब 95 करोड़ है, तो इससे का 300% इसमें जोड़ दीजिए, इसका 300% इसमें ऐड कर दीजिए, उतना प्रॉफिट हुआ है, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। लेकिन जो पिछला क्वार्टर उसके कंपेयर में कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ है, क्योंकि 230 करोड़ उसमें भी था, काफ़ी जंप था, तो प्रॉफिट काफ़ी देख सकते हैं उतार चढ़ाव होते रहा है, स्मॉल कैप कंपनियों में इसी तरह होता है, कभी प्रॉफिट में काफ़ी जंप, कभी काफ़ी गिरावट, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम चलते हैं बैलेंस शीट पर, तो यहाँ देखिए बैलेंस शीट 11,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, काफ़ी बेहतरीन रिजर्व है, लगातार बढ़ा है। डेब्ट कंपनी के पास 59 करोड़ का है, तो फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी के ऊपर डेब्ट होगा ही, क्योंकि ये क्या करता है, आपसे लोन लेता है फिर दूसरों को लोन देता है, तो बीच का जो मार्जिन होता है इंटरेस्ट मार्जिन वो अर्न करता है, तो इसलिए फाइनेंस कंपनी के ऊपर डेब्ट होगा ही, इसका लोन जो भी है एडवांसेस ये सारे ध्यान रखना है कितना है।
और उसमें इंक्रीज ज़्यादा ना हो, प्रोविजन्स ज़्यादा इंक्रीज ना हुआ हो, तो इन सारी चीज़ को रिजल्ट के पेज पर जाकर के आपको देखना है। उसके बाद करेंट एसेट देखिएगा तो काफ़ी इंक्रीज, बुक वैल्यू भी इंक्रीज, तो इधर तो सारे ठीक ठाक दिखते हैं। लेकिन जो हम डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज हैं, मतलब जिसको हम पैरामीटर्स के रूप में लेते हैं कंपेयर करने का, जो अर्निंग पर शेयर है क्या वो इंक्रीज़ हुआ है, तो चलिए हम यहाँ देख लीजिए। अर्निंग पर शेयर 14 रुपया 2020 फाइनेंशियल ईयर में, 19 में था 25, तो काफ़ी डिक्रीज हुआ है। 18 में भी मतलब फाइनेंशियल 18 में भी 18 रुपया था, तो वहाँ से भी काफ़ी डिक्रीज हुआ है। मतलब लगातार 3 साल से इसका अर्निंग पर शेयर डिक्रीज हुआ है, तो ये अच्छा साइन नहीं है इन्वेस्टर के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी देखिएगा काफ़ी डिक्रीज हुआ है, मात्र अभी 8 का है, तो 8 का भाग काफ़ी कम है, तो ऐसे स्टॉक को हम पसंद नहीं करते हैं जो इतनी कम रिटर्न देता है इक्विटी पर। कैपिटल इंप्लाय मात्र 8%, रिटर्न ऑन एसेट मात्र 1.22, जबकि ये 10 से 12 होना चाहिए, कम से कम 10 से 12% तो बेहतरीन मानी जाती है। तो ये कंपनियां बिल्कुल भी इस पैरामीटर्स पे ठीक नहीं है। डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइनेंस कंपनी है, तो ये डेप्ट इक्विटी रेशियो तो आपको हाई देखने मिलेगा ही। तो ये सारे थे फंडामेंटल्स, अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पर, टेक्निकल चार्ट क्या कहता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। अगर अभी तक आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया तो बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अभी जाइए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। और यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन है, नंबर 1 ब्रोकरेज डिस्काउंट ब्रोकर है। यहाँ पर आपको इंट्राडे में 20 रुपया मैक्सिमम चार्ज लगता है पर ट्रेड, और डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सारे चार्ट हम यही जीरोधा पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 200 डे का मूविंग एवरेज जो इसका 250 रुपया है, तो 200 डे का मूविंग एवरेज जो 250 है वहाँ तक इसका ऊपर जाने की संभावना बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रॉफिट में 300% का जंप, प्रॉफिट में 300% का जंप। दूसरा राइट इश्यू, तो शेयर होल्डर को एक लॉटरी लग चुकी है यहाँ पर, तो शेयर में काफ़ी जंप होने की संभावना है कि ये 200 डे के मूविंग एवरेज तक आसानी से जा सकता है, उतना पोटेंशियल इस स्टॉक में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर 200 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो निश्चित है कि अब अगला लेवल जो होगा ये 300 होगा, तो कम से कम ये 300 होगा जब ये 200 डे के मूविंग एवरेज को, जो EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको ब्रेक करता है तो। और यहाँ पर देखते हैं काफ़ी वॉल्यूम आया है, तो मतलब इधर जो लोगों को, इन्वेस्टर को पता था कि इसमें बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि 1 जून को ही राइट इश्यू के बारे में पता चल गया था। यहाँ पर देखते हैं काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम, देखते हैं काफ़ी वॉल्यूम आया है इस स्टॉक में, तो काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम है इस स्टॉक में। निश्चित है कि यहाँ पर जो मोमेंटम आपको इस स्टॉक में देखने यहाँ पर मिल सकता है, तो ये तो ऊपर का टारगेट हो गया। नीचे के सपोर्ट की बात करें तो इसका जो पहला सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। पहला सपोर्ट 180 रुपीज़ के आसपास, 180 रुपीज़ के 5 रुपया ऊपर 5 रुपया नीचे, क्योंकि देख सकते हैं आप ये 180 के लेवल को कई बार ब्रेक नहीं कर पा रहा था, पहले ये रेसिस्टेंस का काम करता था। अब ये 180 के लेवल को जब ब्रेक करेगा तभी इसमें मतलब नीचे, मतलब 180 इसका सपोर्ट लेवल है, तो इसको ब्रेक करता है तब इसमें फिर गिरावट आपको देखने मिल सकती है। तब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा 145 रुपीज़ होगा, 145 इसका सबसे फाइनल जो सपोर्ट लेवल है नीचे का वो है। तो पहला सपोर्ट बनता है इसका ऊपर 180 इसका पहला सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से फॉल आता है 200 रुपीज़ से, तो उसके बाद 140 इसका सबसे मेजर सपोर्ट लेवल है। तो इसके ऊपर के टारगेट आपने जान लिए कि ऊपर जो है काफ़ी मतलब ऊपर जा सकता है, और नीचे जो है लिमिटेड है। नीचे क्या है, 180 ज़्यादा से ज़्यादा नीचे फॉल करेगा, उस लेवल को तभी ब्रेक करेगा जब मार्केट में फॉल आए, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आए, तभी 180 के लेवल को ये ब्रेक कर सकता है। अब हम बात करेंगे इसके लॉन्ग टर्म चार्ट के, उससे पहले RSI देख लीजिए। RSI 66 है, तो RSI नॉर्मल है, और इसमें यहाँ पर वीकनेस आ रहा था, लेकिन फिर से इसमें स्ट्रेंथ वापस आ गया, स्ट्रेंथ जो है मजबूती जो है वापस आ चुका है। अब हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करेंगे। दोस्तों लॉन्ग टर्म चार्ट पर बात करें तो यहाँ पर आप सकते, अगर हम एयरटेल डेट में बात करें, जो पैंडेमिक आया था वहां पर जो इसमें गिरावट आया है, वहां से ये स्टॉक्स 63% रैली कर चुका है। देखते हैं मई के बाद 63% रैली, अगर मार्च की बात कहें तो मार्च के बाद भी काफ़ी रैली, 46% का रैली इसमें आ चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। और अगर हम मैक्सिमम 5 ईयर्स की बात करें, 5 ईयर्स में भी ये डाउन है, मतलब 5 ईयर्स में भी अंडर परफॉर्म रहा है स्टॉक्स। 2018 से ही ये स्टॉक्स काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है, वहाँ से देखिएगा तो अभी भी 58% डाउन है, 58% 2018 के प्राइस से। अगर 2018 के प्राइस के पहले बात करें तो देख सकते हैं 2006 से लेकर 2018 तक में 1000% तक का रिटर्न दिया था, 1000% का रिटर्न, तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया था पीछे। लेकिन 2008 से अभी काफ़ी डाउन है। अगर हम बात करें 2006 से लेकर के अभी तक,
2006 से लेकर के अभी तक का, तो मात्र ये 347% अप है, 347%। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि पिछले 3 सालों से काफ़ी अंडर परफॉर्म है, तो डिफरेंट डिफरेंट इसके रीजंस होंगे, उसको आपको सर्च करना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये 3 साल से स्टॉक्स क्यों अंडर परफॉर्म था, उसके बाद आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप राइट इश्यू के लिए सिर्फ अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आपका पैसा है, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने वाला नहीं हूं, क्योंकि इसमें जो राइट इश्यू का रिकॉर्ड डेट है वो भी मात्र 2 दिन है। अगर लंबा टाइम रहता 5-6 दिन तो हम इसमें 5-6 दिन का जो गेन है उसके लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 2 दिन के लिए, 2 दिन में ये इसमें ट्रैप भी हो सकते हैं, अगर मार्केट में गिरावट आ जाए किसी कारणवश तो ट्रैप होकर के भी आप इसमें फंस सकते हैं। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका अपना मर्जी, आप अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिएगा अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो एंजल ब्रोकिंग के साथ आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा दोनों ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप 2 डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एक जीरोधा के साथ ओपन कीजिए, दूसरा एंजल ब्रोकिंग के साथ। दोनों बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, दोनों पे आपको डिलीवरी पे 0 चार्ज लगता है और इंटरडे में आपको मैक्सिमम 20 रुपीज पर ट्रेड लगता है। तो दोनों जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग दोनों ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन देंगे लिंक से जाइए, फ्री में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लेना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।